दर्शक, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशु आन्या और स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर आशु आन्या। आज मैं आप सभी दर्शकों को 2022 का वार्षिक राशिफल मेष से मीन तक बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपके राशिफल में मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही शांत नेचर के होते हैं, इनमें बहुत ही स्थिरता होती है। ये लोग बहुत ही धीमी गति से चलने वाले और बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस हासिल करने वाले ऐसे पर्सन होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये मकर राशि वाले बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे प्रशासनिक शासन में जाने वाले इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे लीडर भी होते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जॉब और बिजनेस की। इस साल 2022 में मकर राशि वालों के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटी जॉब में आने वाली हैं। आप जिस भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वो जॉब के अच्छे ऑप्शन आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं कि आपकी सरकारी नौकरी बहुत ही कम मेहनत में आपको मिल सकती है। और अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं सिलेक्शन के। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको नौकरी के साथ साथ स्थान परिवर्तन के भी योग बने हुए हैं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के काफ़ी अच्छे योग उनके लाइफ में बने हुए हैं, स्पेशली मकर राशि वालों के लिए। तो और जिन लोगों का प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी बहुत इजीली स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। उनको हायर पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत ही कम मेहनत करनी होगी और बहुत अच्छी और ऊँची सफलता इन लोगों को मिल सकती है इस साल 2022 में। मकर राशि वालों के स्टूडेंट और करियर की बात कर ले तो इस साल 2022 में इन लोगों के लाइफ में बहुत ही फास्ट मूवमेंट होने वाला है। अगर जो लोग अटके पड़े हैं अपने जीवन में उन लोगों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना शुरुआत हो जाएगा 2022 में। जो लोग एक ही क्लास में कई सालों से अटके हैं उनके लाइफ में प्रोग्रेस के अवसर इस साल आते हुए दिख रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं वो एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और जो लोग एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा योग इस 2022 में बने हुए हैं। मकर राशि के प्यार और परिवार की बात करें तो प्यार में मकर राशि वालों के बहुत ही इमोशनली आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में किसी लव पार्टनर की एंट्री होने वाली है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है और आपके परिवार में बहुत ही खुशहाली रहने वाली है। आपका लाइफ पार्टनर जो है आपके पूरे सहयोग से आपके जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने वाला है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी शादी के लिए आने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं तो उनके रिश्ते इस साल 2022 में शादी के रूप में परिवर्तित होते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि वालों का शुभ रंग देखें तो सफ़ेद कलर और शुभ अंक देखें तो एक नंबर। ओवरऑल मकर राशि वालों की बात करें तो इस साल उनके लाइफ में बहुत ही अच्छा एक लव पार्टनर का के से जुड़ने का योग बना हुआ है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर के या फिर लव वन के जुड़ने का बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। साथ ही साथ हैप्पी फैमिली का भी योग बना हुआ है आपके जीवन में। खुशहाली वाली लाइफ 2022 में मुझे दिख रही है।
जो नए सदस्यों का आगमन हो सकता है। अगर आप लोग अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आपके घर में बच्चों बच्चों का जो है वो आगमन दिख रहा है। फिर फैमिली में कुछ फास्ट मूवमेंट दिख रहा है। आपके फैमिली में किसी मनमुटाव का भी योग बना हुआ है। आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड कुछ मनमुटाव का भी योग बना हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ों का भी योग बना हुआ है। तो बेहतर होगा कि आप उससे सावधान रहें। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है और दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।